नमस्कार। तो आज हैं भिवानी बस स्टैंड पर, तो यहाँ पर कुछ भाई मिले हैं, तो उनसे राय लेते हैं कि कौन सी पार्टी अब की बार सत्ता में आ सकती है। हाँ जी नमस्कार, बोल उस संजय। संजय तो भाई साहब, यहाँ से अब की बार कौन सी पार्टी सीट निकाल सकती है? बीजेपी। बीजेपी तो मतलब ऐसा आपको क्यों लगता है, बीजेपी ने क्या खास काम किया है? खास काम भाई सारे कर रहे हैं, सारे खास काम कर रहे हैं भाई। और के मतलब बीजेपी जीतेगी? हाँ अपना क्या कहना भाई, बीजेपी जीतेगी भाई। पक्का बीजेपी जीतेगी भाई। चलो थैंक यू। तो कुछ और भाई मिले हैं यहाँ पर, तो उनकी राय लेते हैं। हाँ जी नमस्कार जी सर। नमस्कार सर, क्या नाम सर अपना? अभिषेक। अभिषेक जी, तो मतलब अब की बार कौन सी पार्टी यहाँ से सीट निकाल सकती है? भाई मेरे को नहीं पता, मैं भी आया हूँ ही नहीं। तो कहाँ से हो, वहाँ से बता दो। रोहतक से हूँ मैं। रोहतक से कौन सी पार्टी निकाल सकती है? भाई मेरे को नहीं पता। फिर भी क्या लगता है आपका वोट होगा? वोट तो है मेरा। कौन सी पार्टी को दोगे? क्या क्यों बताऊँ भाई ये। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू। हाँ जी नमस्कार जी सर। नमस्कार जी, क्या नाम सर अपना? नाम चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी, तो मतलब अब की बार आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी यहाँ से सीट निकाल सकती है? बीजेपी। बीजेपी जी। तो मतलब कुछ काम किए यहाँ पर बीजेपी? बीजेपी को काम किया है। क्या कुछ काम किया है यहाँ पर? हर कुछ किया है, ईमानदारी से काम किया, भर्ती की है, सब कुछ ईमानदारी से। कांग्रेस में भ्रष्टाचार था, हाँ जी, इसमें बिल्कुल ईमानदारी से काम किया। तो अब की बार जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की सीट है, क्या वो बीजेपी निकाल देगी? बीजेपी निकालेगी। ओके जी थैंक यू। तो पब्लिक रिएक्शन। हाँ जी नमस्कार अंकल जी। नमस्कार, क्या नाम सर अपना? सुरेश। सुरेश जी, तो मतलब अभी लोकसभा के इलेक्शन है भिवानी में, तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी सीट निकाल पाएगी? ज्ञानापन तो सर बाबूजी ने, भी आपका वोट होगा? हमारे बाबूजी बताओगे? हाँ जी कोई बात नहीं। चलो हाँ जी नमस्कार जी। भाई बंदा आपने? ओके हाँ जी, राम राम। राम राम भाई, राम राम। क्या नाम सर अपना? रविंद्र राम भाई। रविंद्र जी, तो मतलब अभी लोकसभा की इलेक्शन है भिवानी के अंदर, तो मतलब कौन सी पार्टी सीट निकाल सकती है? हम तो बीजेपी देवा है भाई। बीजेपी ने अपना क्या कहना भाई? सारे सारे बीजेपी। बीजेपी से वोट फॉर मोदी। वोट फॉर मोदी अपना जी। क्या जी? कौन सी पार्टी सीट निकाल सकती है भिवानी की? मैं तो यहाँ का नहीं, मैं बाहर का आदमी। कहाँ से हो? यूपी से। यूपी से, तो मतलब यूपी में कौन सी सरकार आनी चाहिए? मोदी सरकार आनी चाहिए। मोदी सरकार यानी कि योगी, दोबारा से योगी को देखना चाहते हो? मोदी सरकार। मोदी सरकार। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी आपका क्या कहना है? मोदी आएगा जी। मोदी आएगा पक्का? पक्का। चलिए जी थैंक यू। तो कुछ और मिले हैं यहाँ पर, अंकल जी मिले। हाँ जी नमस्कार अंकल जी। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते भाई, क्या नाम है जी अपना? इंद्रजीत। इंद्रजीत जी, तो मतलब अभी इलेक्शन है लोकसभा के, तो क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी सीट निकाल देगी? जहाँ आपको भी बढ़ा देंगे। नहीं नहीं, मैं तो ऐसा थोड़ा ना बोलूँगा, आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? अपने को सारी पार्टी अच्छी है भाई साहब। अच्छा प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को। ओके जी कोई बात नहीं। नमस्कार नमस्कार अंकल जी। कोई बात नहीं। ओके तो ये वाला। हाँ जी नमस्कार जी सर, क्या नाम सर अपना? संजय भाई। संजय भाई साहब, तो अभी लोकसभा की इलेक्शन है, तो मतलब आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी सीट निकाल? अपने तो भाई वोट फॉर मोदी भाई। वोट फॉर मोदी, बीजेपी। बीजेपी तो बीजेपी ने ऐसा क्या काम किया? मतलब कुछ लोग मिले हैं जो बोल रहे हैं कि भिवानी के अंदर तो विकास कार्य करवाए नहीं बीजेपी ने। खूब करवा रहा, क्या बढ़िया काम करा, सबसे बढ़िया काम तो है जो बैठ जो प्लट हमारे उन गए। अच्छा अच्छा, हाँ पाकिस्तान गए। चलो जी सबसे बढ़िया तो वो है। ओके थैंक यू, मतलब अपना वोट बीजेपी को। हाँ बीजेपी को। ओके जी धन्यवाद। तो कुछ और भाई यहाँ पर मिलते हैं, तो उनसे राय लेते हैं। हाँ जी राम राम। तो नमस्कार जी, तो अभी जो लोकसभा की इलेक्शन है, हाँ, उसमें आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी सीट निकाल पाएगी? बीजेपी को। बीजेपी, अपना वोट बीजेपी को। हाँ जी ओके थैंक यू। हाँ जी नमस्कार जी सर, क्या नाम सर अपना? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जी, अभी लोकसभा की इलेक्शन है, तो कौन सी पार्टी सीट निकाल सकती? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। हाँ जी ओके जी, आपका क्या कहना सर? बीजेपी बनेगी भाई। बीजेपी। बीजेपी ने क्या कुछ खास काम करे था? बस यह है सर, बच्चे लागे लोग के, और जो ना घपलाबाजी नहीं हुई। पीछे पास कितने दिए? पीछे क्या के पीछे दुकान लागे, ये दुकान लागे तो जो लोग देंगे। अच्छा अच्छा, हाँ भैया कौन लागे? चलो के बेरा कई जने कम है पीछे पास। ना ना नू तो मैं भी कहूँ भाई, वो दौर पी रहे बता के मतलब ऐसी बात है कौन पी रहे अगला। ठीक बात है, चलो धन्यवाद। हाँ जी नमस्कार जी सर। जी पूछ लिया सर हमने। ओके जी, हाँ तो दो भाई मिले हैं, इनसे पूछ लेते हैं। हाँ जी राम राम भाई साहब।
राम राम भाई, क्या नाम भाई अपना? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, अभी लोकसभा की इलेक्शन है जी, तो कौन सी पार्टी यहाँ से सीट निकाल सकती है? आई थिंक फिलहाल सही काम चल रहा है सरकार में। कौन सी सरकार में? जो चली हुई है बीजेपी सरकार। तो अब की बार कौन सी आस्क है? आई थिंक बीजेपी। बीजेपी, यस। चलिए जी, थैंक यू। तो ये भाई हमारा बंदा है, कोई बात नहीं, ले लेंगे इसकी राय भी। हाँ जी, नमस्कार जी सर। नमस्कार, क्या नाम सर अपना? विजयपाल। विजयपाल जी, तो अभी इलेक्शन है, तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी सीट निकाल सकती है? मोदी देवाई। मोदी देवाई, पक्का? पक्का, कन्फर्म। जीत जाओगा ना? अच्छा जी, नमस्कार भाई साहब। भैया अभी जो लोकसभा की इलेक्शन है, तो कौन सी पार्टी सीट निकाल सकती है? भिवानी लोकसभा इलेक्शन। अपना वोट बन रहा हुआ ना? तो वैसे ना पता ना मिल रहे। चलो वोट तो बन रहा ना? बने बन रहे। घर क्या बन रहे? घर क्या बन रहे? अच्छा, कौन सी पार्टी में दिया कर आपा? भाई घर के बताऊँ कौन सी? प्रधानमंत्री कौन सा बढ़िया लगा अपन? नरेंद्र मोदी कि राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी भाई, नरेंद्र मोदी। हाँ बात आ गई। आपा कौन सी देव आए? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ना, चलो आओगे क्या पाओगे? यो अपना पब्लिक रिएक्शन चैनल है यूट्यूब, ठीक है? ओके, हाँ आ जाएगा शाम तक। तो कुछ और भाई यहाँ पर मिलते हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं। ये भाई भिवानी बस स्टैंड है, जो कि लोकसभा क्षेत्र महेंद्रगढ़ और भिवानी कम्बाइंड है। तो दो भाई मिले हैं यहाँ पर, उनकी राय लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी सर। कोई बात नहीं, आप भी बता दो। अभी लोकसभा की इलेक्शन है, तो आपको क्या लगता है भिवानी की सीट कौन सी पार्टी निकल पाई? बीजेपी। बीजेपी, हाँ। अच्छा, क्या खास काम किया है सर बीजेपी ने? सारा काम कर रखा है भाई, बढ़िया। क्या कुछ काम कर रखा है? सारा कर रखा है, दो चार बता दिया भाई, बस ठीक कर रखा, बढ़िया कर रखा। चलो बढ़िया हो रहा है काम, है ना, कुल मिला के। चलो जी, तो कुछ रह गया अंकल जी का? अनिल जी, तो मतलब अभी लोकसभा की इलेक्शन है, तो कौन सी पार्टी सीट निकाल सकती है भाई? बीजेपी का देगी। बीजेपी, चलो जी, थैंक यू। तो ये भाई मिले हैं, इनसे पूछ ले। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब, क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई, ठीक ठाक। ठीक ठाक। तो ये लोकसभा की इलेक्शन अपना, तो आप कौन सी पार्टी सपोर्ट करा? बीजेपी। बीजेपी ना, ये कुछ खासियत है बीजेपी के अंदर ऐसे? सब कुछ खासियत है, सब कुछ करने लग रही, इतना करने लग रही बीजेपी। अपना खतर होया कि सुख वो तो आया है। अच्छा अच्छा, हाँ मैं सुधार। मतलब अपना भिवानी महेंद्रगढ़ की जो कम्बाइंड सीट है लोकसभा की, तो क्या लग है निकलती? बढ़िया लग रहा, अच्छा कर रहा, सब कुछ कर रही बीजेपी। अच्छा जी, अब की बार भी बीजेपी आओगी दोबारा से हरियाणा में? क्या सेंटर में? सेंटर में आओगी। और हरियाणा में बात करा तो हरियाणा में पूरे फर्स्ट, हरियाणा में आएगी भी? हाँ, पूरी बीजेपी आओगी। चलिए जी, थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार जी सर, क्या नाम सर अपना? लवीश। लवीश जी, अभी लोकसभा की इलेक्शन है, तो कौन सी पार्टी सीट निकाल सकते? सर अभी कुछ मेरे को वो नहीं है, इसी जगह आइडिया नहीं। ओके जी, थैंक यू। तो ये था भाई भिवानी बस स्टैंड, तो यहाँ पर लोगों की राय ली कि कौन सी पार्टी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट निकाल सकती है। तो आप भी अपनी कमेंट कर सकते हैं नीचे, नेगेटिव या पॉजिटिव कमेंट करके। धन्यवाद, थैंक यू।